शांति, सभी ने आज की बहुत ही प्यारी मुरली सुन देखी होगी। किस किसने देखी आज की मुरली? ओके, अनिशा बहन। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आज का, सुनाइए, क्या अनुभव हुआ? जी, आज तो जैसे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मैं और बाबा हैं और वन टू वन मुरली सुन रही हूँ। वो बहुत अच्छा लगा। आपने पूरी सुन ली? क्योंकि करीब 2-2.5 घंटे की थी। और क्या अनुभव हुआ? क्या क्या बात है बाबा ने कही जो आपको याद है अभी तक? ज्ञान की बात है, नहीं बाबा ने तो प्यार की बात प्राप्तियों है। के बारे में कहा हाँ जी, हाँ जी जी बताइए। प्राप्तियों के बारे में बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की अनुभूति जो हमारी है वो याद रहती है। बाबा से हमें जो जो प्राप्तियां हुई हैं, ज्ञान के खजानों की, योग की शक्तियों की, दिव्य गुणों की, और जो खुशी बाबा से हमको मिलती है, तो बाबा ने कहा कि वो हमको अनुभूति के रूप में याद रहेगी, भले ज्ञान की पॉइंट्स याद ना रहे। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि प्राप्ति को याद करो। और बाबा ने पार्टी से जब मिल रहे थे तो बाबा कह रहे थे कि जो खुशी हमको मिली है, जो नए नए आए उनसे बाबा पूछ रहे थे कितने खुश हो, तो पदम गुना खुश हो, तो बाबा कह रहे थे खुशी को छोड़ के मत जाना। ऐसे नहीं कि जाते जाते बस में छोड़ दिया, ट्रेन में छोड़ दिया। तो वो, और फिर बाबा ने होली भी मनाई। होली का भी बाबा ने बहुत अच्छा आज बताया। और मान शान जो हम चाहते हैं, तो बाबा हमको मान शान नाम सब दे रहे हैं। बाबा ने अपने दिल तक पर बिठाया और बाबा हमारा नाम जपते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि भगवान आपका नाम जप रहे हैं तो आप देहधारियों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो, उनसे क्यों नाम मान शान की एक्सपेक्टेशंस रखते हो। भगवान जब आपको दिल तक पर बिठा रहा है, भगवान के दिल तक पर आप बैठे हो। ठीक है, और कौन बताएंगे, और कौन शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली देखने का, सुनने का या पढ़ने का एक्सपीरियंस? कौन शेयर करेंगे? ओके, बाकी कोई पढ़ के नहीं आए ऐसा? हाँ जी, हम ठीक है, चल दो। शेयर करते हैं। हाँ जैसे बाबा ने कहा कि कई बार बिंदी याद नहीं रहती, तो उसके लिए सिंपल टेक्निक बताई कि प्राप्तियों को याद करो। और एक धारणा का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो लेस इम्पोर्टेंट बातें हैं, मतलब उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, किसी को भी एक्सप्लेन करो तो 2 अक्षरों में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं। और फिर जैसा कहा कि हम सामने वाले सोचते हैं, सामने वाले को खाली करने के लिए सुन लेते हैं, पर इसके चक्कर में अपना दिल भर जाता है। जी तो इससे दिल में भरते भरते फिर ये संस्कार बन जाता है और बुद्धि की निर्णय करने की शक्ति कम होती जाती है। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही ओवरऑल, मतलब अगर हम ज्ञान की बात छोड़ भी दें तो भी? सबसे सही पॉइंट मतलब यही लगा कि प्राप्त कई बार वैसे सब चीजें मुश्किल लगती हैं, बट प्राप्तियों का और अनुभव का जो नशा है उसको हम रिकॉल करते रहे तो फिर चीजें आसान लगने लग जाती हैं। ये बात बाबा ने भोग लगाने के बारे में क्या बोला? कौन आपने बताना सुना है चाहेगा? कि गुरुवार को कुछ मीठा बनाना चाहिए? हाँ, इसको इसमें तबियत थोड़ा सा डिटेल में शेयर करो आप, बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बाबा का कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है भोग के बारे में। तो बाबा कहते हैं कि विशेष उत्सव पर कुछ मीठा मुख करते हैं
और आप तो हर गुरुवार को मीठा मुख करते ही हो, भोग मीठा बनाते हो ना या मीठा नहीं बनाते, नमकीन रख देते हो? तो बाबा डबल फॉरेनर से पूछते हैं कि ब्रेड का भोग लगा देते हो क्या? सुनाया था ना कि ये भी विधि है, तो विधि को अपनाने से खुशी होती है। जैसे कोई अपना प्यारा आ जाता है तो क्या करते हो? तो बाबा कहते प्यार से उसके लिए बनाते हो ना। बाप से प्यार है तो दो चीज भल नहीं बनाओ, एक ही चीज बनाओ, लेकिन बनाओ प्यार से और विधि पूर्वक। ऐसे नहीं ऑफिस का टाइम हो गया और गैस पर हलवा बन रहा है, टाइम नहीं है तो यही लगा दो। फिर सभी हंसते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हंसी आती है। तो विशेषता उस हंसी में भाई लोग ज्यादा हंस रहे थे, वीडियो देखा तो बाबा भाई लोग ऐसा ज्यादा करते हैं। हाँ जनरली ऐसा होता है। तो बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीजें तो नहीं बना सकते, इसलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं, कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए, तो बाप भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। तो बच्चों के लिए बाबा बहाना करते हैं कि बाप भी खा लेंगे, शिव बाबा तो खाते भी नहीं है। तो ये बाबा का प्यार है तो सब बच्चों के लिए। वही तो ना, कि इस तरह की मुरलियां हैं ये, कि इन मुरलियों को भी हम एक बार देख लें, समझ लें, पढ़ लें, तो हमारा ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि योग कैसे हम लगाएं। मतलब बाबा याद रहेंगे ही, बाबा के प्यार में हम खो ही जाएंगे। तो जो भाई बहनों ने आज मुरली नहीं पढ़ी है, सुनी है या देखी है, तो वो थोड़ा ध्यान दें इस बात पे कि हमें मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर टाइम हमारे पास आएगा नहीं। तो सभी अग्री करते हैं इस बात से? जी भाई जी, दो बार ही हमेशा पढ़ी हूँ, लेकिन एक ही बार ही पढ़ी है तो, और देख नहीं पाई वीडियो। एक्चुअली पूरी तो हमारी भी नहीं हुई है, थोड़ी सी लगी थी, क्योंकि मुरली बहुत बढ़िया, बहुत कोशिश की तो भी थोड़ी सी रह गई। ठीक है, तो हम आज के मेरे ये मुरली ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए विशेष अंदर पूरा देखा, इसीलिए। ठीक है, तो आज की मुरली के फ्रेमवर्क जी ये भोग का पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं भी हैं। ठीक है, तो आज की मुरली में मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं? संतुष्टता से प्रसन्नता आएगी, और संतुष्टता कब आएगी? जब हम सब सर्व प्राप्ति संपन्न बनेंगे। प्रसन्नचित बनते हैं, संतुष्टता जब हम जीवन में हमारे आती है, और प्रसन्नचित जब रहते हैं, यानी कोई भी हमारे जीवन में प्रश्न नहीं रहो कि हम क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, ये सब प्रश्न हमारे जीवन में नहीं रहे, तब हम बनते हैं संतुष्ट मन। और सर्व प्राप्तियों में है क्या क्या? ज्ञान के खजाने की प्राप्ति, योग की शक्तियों की प्राप्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्ति। ओके, आज की मुरली के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं? जी। ठीक है, और क्या क्या बताया बाबा ने? बाबा ने पूछा है संपन्न कब बनेंगे, विनाश के समय या अभी संपन्न होना है? बाबा ने कहा कि क्वेश्चन मार्क को अपने डिक्शनरी से हटा दो। अनिशा बिन, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आप चेक कर लीजिए जरा। जी शांति। हाँ जी,
बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क वर्ड जो है हमारी डिक्शनरी से हटा देने के लिए कहा बाबा ने। ओके तो बाबा आजकल ब्राह्मण भाषा की डिक्शनरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट में भी बाबा ने अपसेट वर्ड के लिए कहा था। क्वेश्चन वर्ड को हटाना है, मुश्किल कहा था, सदा शब्द याद रखना, तो ये भी एक टास्क हो सकता है। हाँ जी, ये एक लिस्ट बना सकते हैं हम कि ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स नहीं आने चाहिए, तो ये चेकिंग भी होगी, एक मनन चिंतन का पॉइंट्स भी मिल जाएगा। इस पे कभी सेपरेट सेशन भी पूरा एक हो सकता है। ठीक है, और प्रसन्न चित्त के बारे में बाबा ने कहा कि जो प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती और वो सदा निर्मल और निर्माण रहता है। और इसने एक बहुत अच्छा कहा कि निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसे भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो लेकिन प्रसन्न चित्त की वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। छाया या क्या कह सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या था इसकी बोली में। ज्यादा लंबा वर्णन व्यर्थ बात बहुत जी। व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, तो एग्जाम्पल दिया जैसे खाने में खट्टे मीठी चीज हो तो अच्छी लगती है, फीकी शादी हो तो कहेंगे कि ये तो रोज ही खाते रहते। ये बाबा ने किस बात में कहा था। लेकिन बाबा ने कहा था कि व्यर्थ ज्यादा चलते हैं, तो पुरुषार्थी तो है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, ऐसे बहानेबाजी भी करते, बाप को भी समझाने लगते हैं, यहाँ जो निमित्त है उनों को भी बहुत कथाएं सुनाते रहते हैं, ऐसा था ना वैसा था ना, तो ऐसे ऐसे माला जपते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती है, जैसे खाने में कुछ खट्टी मीठी चीज होगी तो अच्छा लगता है, तो जैसे उसको बढ़ाते है किसी भी बात को, व्यर्थ बातें व्यर्थ चिंतन सुनना बोलना और करना, इसमें चलते चलते फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बाबा ने इन तीनों के बारे में क्या क्या फिर बोला? सोचते हैं मैं फिर बाबा कहते फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले दिल खाली कर दे, तो बाबा कहते उसकी तो दिल खाली हुई और अपना दिल भर लिया। राइट, तो इसमें कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है ना शुभ भावना के साथ सुने करके, तो उसके लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। जैसे मम्मा के पास भी कोई जाकर अपने दिल की हर बात शेयर करता था लेकिन मम्मा में उतनी पावर थी कि उनके प्रभाव में न आकर उनको अपने प्रभाव में लाना, तो ये भी एक चिंतन चला। बाबा ने इसमें एक शुद्ध सेवा का भी कॉन्सेप्ट दिया जो आप कह रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जब कोई बहुत बोलता है तो उसकी बात को उसको शॉर्ट में कराना, कम शब्दों में वो बोले, तो ये भी एक शुद्ध सेवा है। बाबा ने फिर समय के बारे में भी इशारा दिया कि समय को बचाओ, किसी भी चीज में टाइम मत लगाओ। तो टाइम बचा रहे, और बताइए। बाबा ने आज कहा कि सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है, स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा।
आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। फिर बाबा ने एग्जाम्पल इसमें दिया कि जैसे भक्ति पाद में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था, और बाप के दिल में क्या है, बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो सभी का नाम है, देखा है। ये नाम के लिए कहा बाबा ने। फिर बाबा ने इसमें एक और पॉइंट कही कि आपका नाम विजय माला में निश्चित है। हाँ जी बाबा, कह रहे थे कि जैसे कई बार स्टेज पे सेवा में नाम नहीं आता या किसी मैगजीन में नाम नहीं आता, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। तो बाबा कह बाबा बता रहे थे कि विजय माला में तो है ही, बाबा के दिल में तो है ही आपका नाम, राइट। हाँ जी कंटिन्यू। मान के लिए बाबा ने कहा कि भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दिया, कितना आपका मान है। उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, यह प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। तो बाबा ने कहा परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी महान मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है, ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। इसने फिर बाबा ने परछाई का एग्जाम्पल लिया कि परछाई के पीछे हम जितना भागेंगे परछाई को कैच नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा आपके एक एक शान को याद करो, शान के लिए, और किसके शान में बिठाया, बाप ने बिठाया, बाप के दिल तक नशीन है। सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना, तो आपको तक ताज मिल गया, परम आत्मा के तक नशीन है। तो बहुत ही अच्छा गहरे पॉइंट है ये, स्वमान के अभ्यास के लिए भी। नाम मान शान जो टर्म है कई बार नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन बाबा ने इसका पॉजिटिव बताया कि नाम मान शान आपकी बेहद की है और पूरे ही कल्प में है। तो हम बेहद के नाम मान शान वाली आत्माएं हैं, राइट। अनिशा, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। और ऐसे क्या पॉइंट्स हैं आज? सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो। हाँ जी संतुष्ट रहें, सर्व प्राप्ति रहेंगी तो संतुष्ट रहेंगे। हाँ जी ये हो गया। तो बाबा कहते प्राप्ति भूलती नहीं है, बाकी ज्ञान के पॉइंट्स भूल सकते हैं। बाबा ने आज भाषण की कला भी सिखाई थोड़ी सी, आर्ट ऑफ स्पीच, कैसे भाषण कर सकते हैं इजी तरीके से। सबसे अच्छे से अच्छा भाषण है अनुभव सुनाना, और ये सब सुना सकते हैं। बाबा ने कहा कि बिंदी याद ना आवे तो प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। और बाबा ने संबंधों के बारे में काफी कुछ और भी कहा। बाबा ने कहा कि आपको क्या चाहिए, स्थूल में तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए। फिर बाबा ने तंदुरुस्ती के लिए कहा कि आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, आत्मा तो बीमार नहीं होती,
भले शरीर बीमार हो, फिर बाबा ने संबंध का भी एग्जाम्पल दिया कि बाबा से हम सर्व संबंध निभाते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा संबंध में देखो, दुनिया वाले तो कोई संबंध होगा, कोई नहीं होगा, होगा तो भी वो संबंध खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आपके सर्व संबंध एक बाप से है। कोई संबंध की कमी है क्या कि सिर्फ बाप है फ्रेंड नहीं है? ऐसे तो नहीं समझते ना, सर्व संबंध बाप से है। किसी भी संबंध से बाप को याद करो तो बाप सदा वो संबंध निभाने के लिए हाजिर है। फिर बाबा ने कहा बाप को क्या देरी लगती है, एक ही समय पर सबसे संबंध निभा सकते हैं। ऐसे नहीं मैं तो फ्रेंड का संबंध चाहती थी लेकिन बाबा दूसरे में देती था। तो ये हंसी मजाक में बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि बाबा हमेशा हमारे लिए हाजिर है। बाबा कहते बाप कहते हैं हे बालिक सो मालिक जी हाजिर, मालिक बुलावे और पहुंचे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब कितना निरंकारी बाबा है, निरंकारी और कितनी बड़ी एश्योरेंस, इतनी बड़ी प्रॉमिस, गारंटी, गारंटी कोई भी रिश्ता इतनी गारंटी नहीं दे सकता। और ये संबंधों वाली जो बात है बड़ी गहरी बात है। दुनिया में कितना सारा तो स्ट्रेस और टेंशन इसी बात का है, कितने संबंध निभाएं, कितनों से निभाएं, और फिर वो भी हमेशा नहीं रहता, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। और भगवान सामने बैठ के कहे कि सारे संबंध में निभाने को तैयार हूँ और हमेशा हर समय हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। सिर्फ ये बात भी हमें समझ में आ जाए तो हमारी स्थिति तुरंत चेंज हो जाए। निश्चय और बताइए। बाबा ने आज होली के लिए कहा होली में हम क्या करते हैं, रंग लगाते हैं, जलाते हैं और मंगल मिलन मनाते हैं। तो इसके बाबा ने कहा कि हम जब से बाबा के बने हैं तो हम बाबा के संग का रंग लगाते हैं, रूहानी रंग बाबा से लगाते हैं, और जलाना हमको क्या है, अपवित्रता और बुराइयां को जलाना है। और मंगल मिलन यानी हम बाबा से रोज मिलन मनाते हैं और अपने जो देवी परिवार है ब्राह्मण परिवार उनसे भी अपनी शुभ भावना से मिलन मनाते हैं। तो इसको बाबा ने मंगल मिलन कहा। बाबा ने ये भी कहा कि ये रूहानी रंग है माया की धूप में उतर तो नहीं जाता, क्योंकि धूप से रंग चला जाता है अक्सर करके। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मोहब्बत से मेहनत करते हो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। ये भी अच्छा लगा। वैसे इतनी मेहनत में कर नहीं रही हूँ मैं अपना, पर ये सेंटेंस अच्छा लगा मुझे। आप देखना जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे ना मुरली, इस तरह से आपका दिन भर आप सहज योगी बनते जाएंगे, आपको कर्म योगी भी बन जाएंगे, आपको चले बाबा भूलेंगे नहीं, अगर याद ही रहेंगे। मन में पूरे दिन भर ये रहेगा कि इतना प्यार करेगा कौन। एक बात मैं पूछना चाह रही थी, विधि के बारे में बाबा हमेशा एम्फसिस करते हैं कि विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, विधि मतलब अभी भोग लगाने की विधि भी, और कई और कभी कभी मोहब्बत और मतलब प्यार से हम भोग लगाते हैं पर विधि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है टाइम, तो विधि इम्पोर्टेंट है ही ना। नहीं लेकिन यहाँ देखा जाए तो बहुत गहराई से विधि प्यार की ही है। ये बाबा एक्चुअली क्या कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात है ये। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि वो प्यार वाली फीलिंग भी मिस हो जाती है, विधि तो मिस होती ही है, जल्दी जल्दी में हम वो प्यार वाली फीलिंग भी भूल जाते हैं। बाबा कह रहे कोई आने वाला होता है अपना प्यारा तो कितने प्यार से आप बनाते हो, तो विधि में वो बात भी शामिल है। और फिर कोई आएगा तो उसे बहुत प्यार से ऑफर करेंगे, प्यार से रखेंगे, तो विधि प्यार की ही है। और क्या पॉइंट्स? एक
सदा उमंग उत्साह में रह, सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व सम्मान में रहना। तो सबसे बड़ी शान है सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे हैं, सदा देने वाले जी। एक ऑब्जर्वेशन ये, हाँ जी, कहा था कि जैसे गुणों का अपने में संबंध है वैसे ही अवगुणों का भी अपने में संबंध है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी अवगुण है जैसे क्रोध है, इस पर बाबा ने कहा कि क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है, तो ये सब आपस में साथी है, कोई इमर्ज रूप में होते हैं कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो है उनों का आपस में संबंध है, इमर्ज एक गुण को रखो लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होंगे। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेगी। बेसिकली किसी एक गुण पे फोकस करेंगे तो बाकी गुण आ ही जाएंगे। तो किसी भी एक गुण के हमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जगदीश भाई जी भी इस पे क्लास कराते थे। और कौन सा पॉइंट रह गया आपकी मुरली से? बाबा ने फर्स्ट पेज में कहा था बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहता है, मेरा खजाना है। क्योंकि जब तक हम मेरा नहीं सोचेंगे हम उसमें गहराई से नहीं जाएंगे। राइट। सुनने से भी व्यर्थ जमा होता है, ये मुझे आज ही पता चला जी। ये अच्छा पॉइंट था। एक्चुअली वेस्ट का पूरा एक व्यर्थ का खाता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और बाबा ने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सालों में हम सुनेंगे वेस्ट के ऊपर पूरी पूरी मुरलियां चली हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली है। तो बेसिकली हियर नो इविल, दीदी मनमोहिनी वाले जब बाबा आए थे 1983 में तो बाबा ने यही कहा था कि पुरुषार्थ ही है व्यर्थ को खत्म करने का। हमारा टोटल पुरुषार्थ ही ये है कि अलग अलग प्रकार के जो व्यर्थ हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते जाएं और धीरे धीरे उनको हम एलिमिनेट कर दें। तो आपको लगता है ये मुरली पढ़ने के प्रोसेस में ज्यादा ध्यान देने से व्यर्थ से हम थोड़ा सा मुक्त हो जाते हैं पूरे दिन भर? डेफिनेटली जी जी। हाँ तो यही इसका इसका पर्पस भी है या इसकी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 घंटे की मुरली पूरी कवर करना, बहुत सारी बातें दिन में होती हैं तो व्यर्थ तो क्या, बहुत सारी समर्थ चीजें भी करने का टाइम नहीं मिलता, फिर मजा आता है। तो जैसे बाबा ने आज जी करेबियन के साथ मुलाकात में कहा था कि बेस्ट बनो वेस्ट खत्म करो। बाबा अपनी टीवी में देखते रहते हैं तो बाबा ने कहा था कि ये साल का लक्ष्य रखो कि आप हम बेस्ट बनेंगे। राइट। अच्छा बाकी कुछ आज भाई भी हैं हमारे ग्रुप में लेकिन आज शेयर नहीं कर रहे, शायद अगली बार करेंगे। अभिषेक भाई, गोविंद भाई, गोविंदा भाई, मो ओके हाँ दो ही हैं। अभिषेक भाई कुछ कहें, आपने इतना अब तक सुना जो भी, आपका क्या ख्याल है, बाबा की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? हाँ जी मैंने तो सुना था वीडियो में जी, लेकिन वो दोपहर का टाइम था तो थोड़ा नींद आ गया था तो बहुत नहीं सुन पाया था, लेकिन वो डिस्कस हो गया पॉइंट इसमें। वैसे रिपीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक पॉइंट इसमें ये लगा था कि बाबा ने कहा कि ये सहज, मतलब हम लोग का जो ये ज्ञान है सहज योग मतलब हम लोग को सिखला देता है। जब भी
बीच में आया था ना जिसमें कि जैसे योग के लिए बाबा ने कहा था प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, तो मैंने ये सब ही केवल याद करते रहे तो वो भी एक योग में ही काउंट होने लगेगा और ऑटोमेटिक हमारा वेस्ट जो है वो हमने अपना भी पर्सनल अनुभव किया चूंकि बाबा के यज्ञ में भी काफी सेवाएं रहती हैं और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बाहर में जॉब है, लेकिन जब हम लोग बाबा की इस मुरली को याद करते हैं या फिर कभी कभी जो अनुभव हुए होते हैं जो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं उसको याद करते हैं, ज्ञान की आज के मुरली की जो पॉइंट है वो कोई पॉइंट याद आने लगती है तो ऑटोमेटिक जो वेस्ट है वो छटने लगता है। तो ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि बिंदी तुम नहीं याद होता है क्योंकि उस समय चलता रहता है थॉट्स, तो प्राप्ति को याद करो, संबंध को याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। राइट, बहुत अच्छा है। जब हम शेयर करते हैं तो जो भी पॉइंट जो भाई बहन शेयर करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो और घर ऐसे भी चला जाता है, तो बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कोई लास्ट एनी पॉइंट करके भी टाइम हमारा कंप्लीट हो जाए। बाबा ने स्वमान और अभिमान के अंतर को चेक करने के लिए कहा। हाँ जी, हाँ जी। और इसी में बाबा ने समय का भी हम लोग को अलर्ट कराया कि समय समीप आ रहा है, तो समान बनो, संपन्न बनो। तो अभिमान की क्या निशानी है, कैसे पता चलता है अभिमान है हमारे में? अपमान की फीलिंग है। हाँ, ये बाबा ने बहुत ही अच्छा गहरा पॉइंट है चेकिंग के लिए भी। ठीक है, अभी बाबा को बहुत प्यार से याद करके इसको कंप्लीट करेंगे, टाइम हो गया वैसे भी। Thank you.